दोस्तों, ये डायबिटीज़ की आप दवाई खा रहे हो और फिर भी डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, कभी 200 होगी, कभी 150 होगी, कभी 300 होगी, आपने मीठा खा लिया तो वो 450 तक पहुंच गई और धीरे धीरे फिर आप इंसुलिन पे आ जाते हो। बढ़िया दवाई खा रहे हो, बढ़िया डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहा, इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, समझोगे तो, ये नसों की कमजोरी है। जब पूरे शरीर में खून का दौरा चलता है तो आप हाथ से ही खून ले लेते हो और डायबिटीज बढ़ा देते हो, वही गंदा खून आपके सारे शरीर में दौड़ता रहता है और आपका एक एक अंग खराब होता चला जाता है। ये किसकी कमजोरी हुई? सिर्फ नसों की कमजोरी होती है, जो किडनी फेल होने लग जाती है, हार्ट फेल होने लग जाता है, लीवर फेल होने जाता है। इसको आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के द्वारा कैसे इसमें लाभ पाएं, इसकी आप सलाह लें और ये जो बड़े से बड़ा रोग हो रहा है इसकी रोकथाम कैसे करें। दौलत काम ना आएगी, सेहत साथ निभाएगी।